हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर अतुल। आज 7 मार्च 2022 के ग्लोबल मार्केट संकेत कैसे रहेंगे और उसके हिसाब से इंडियन मार्केट कैसे खुलेंगे, ये हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आज हम देखेंगे कि एसजेक्स निफ्टी, निफ्टी का लास्ट वीक में कैसा परफॉर्मेंस रहा। निफ्टी लास्ट वीक में टोटल पूरा डाउन साइड ही हो गया था, रह गया। रसिया और यूक्रेन के वॉर के चलते मार्केट में बहुत बिकवाली हो चुकी है और ये बिकवाली अभी भी जारी है। तो हम अब देखेंगे कि ग्लोबल संकेत क्या क्या है, कैसे हैं। आज के ग्लोबल मार्केट संकेत तो टोटली ही रेड लाइन में शो हो रहा है। जैसे कि एजीएस निफ्टी 15,368 पॉइंट नीचे। ये संकेत तो ऐसे बता रहे हैं कि निफ्टी जो अभी 16,248 है तो सीधा 400 पॉइंट नीचे गिर के 15,900 के आसपास खुलने की गारंटी है। नज़दाक है 13,324 पॉइंट नीचे। FTSE 6,987 251 पॉइंट नीचे। CAC 6061 316 पॉइंट नीचे। DAX 13,094 603 पॉइंट नीचे। निक्केई 25,134 850 पॉइंट नीचे। स्ट्रेट्स टाइम्स 3,217 9 पॉइंट नीचे। हैंगसेंग्स और शिंगाई कॉम्पोजिट 3,447 33 पॉइंट नीचे। ये सब देखते हुए कि शोर शॉट यही ओवर दिख रहा है कि आज निफ्टी 350-300 पॉइंट नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि मार्केट को शुरू में ओपन होने दो, एक गैप डाउन ओपन होने के बाद एक गैप जाने दो। जैसे कि निफ्टी अभी है 246 पॉइंट, ओपन होने के बाद ये 15,900 के आसपास जाएगा। 15,850 के आसपास आप बाइंग पोजीशन रख सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वो बाइंग होना चाहिए और कम से कम आज के दोपहर के 1 बजे तक आपको बाइंग पोजीशन रखो। जो भी आपको मिल रहा है प्रॉफिट उसमें से आप निकल जाओ, वापस शॉर्ट पोजीशन रखो 2 बजे के आसपास। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का जो मूवमेंट है, ट्रेडिंग मूवमेंट, वो यही इसी तरह से चल रहा है। ओपनिंग में बिग डाउन ओपन होता है और वापस रिकवर होने के बाद वापस एंड ऑफ द डे माइनस में ही क्लोज हो जाता है। सो गाइस, टेक केयर, सेफ ट्रेड एंड सेफ मनी। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। मैं ऐसे आपको अपडेट देते जाऊंगा। अगर आपको मैंने दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।